हेलो फ्रेंड्स, हमारे अपने यूट्यूब चैनल हर्ष सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमारे पास है एक समतल दर्पण जिसका नाम है एबी। दोस्तों, यह है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण के सामने यक्ष मीटर दूरी पर दोस्तों, यहां से हमारी ये दूरी है यक्ष मीटर, एक वस्तु रखी गई है। वस्तु बिंदु आकार की है। इस बिंदुवत वस्तु से अनंत प्रकाश की किरणें चलती हैं। हम प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश की किरणों को लेंगे। प्रथम प्रकाश की किरण हमारी है ऐसे, जो की जाती है समतल दर्पण से टकराती है। टकराने के पश्चात, चूंकि यह परावर्तक पृष्ठ है समतल दर्पण हमारा, इसलिए यह समतल दर्पण से यह प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाएगी। दोस्तों, हम खींचेंगे एक अभिलंब। अभिलंब होता है परावर्तक पृष्ठ से 90 के अंश पे। तो हम खींच दिए, यहाँ से हमारा ये टोटल 90 अंश का कोण है। यह है दोस्तों हमारा अभिलंब, यह होगा हमारा कोण आई, आपतन कोण, और यह हो जाएगा हमारा परावर्तन कोण, कोण आर। तो दोस्तों, बिंदुवत वस्तु से एक प्रकाश की किरण चली जो कि समतल दर्पण से टकरा के परावर्तित हो गई। सेम दोस्तों, हम एक प्रकाश किरण और लेते हैं जो सेम जाती है ऐसे, समतल दर्पण से टकराती है, और टकराने के पश्चात यह होगा अभिलंब, यह होगा हमारा कोण आई, यह होगा हमारा कोण आर। सेम प्रकाश किरण चली जाएगी। दोस्तों, प्रतिबिंब जो होता है हमारा, वह परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जहाँ मिलती हैं वही होता है हमारा प्रतिबिंब। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही परावर्तित किरणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, अर्थात ये एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी नहीं। तो यह प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई। अब कैसे बनेगा प्रतिबिंब? तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं। आइए देखिए कैसे पीछे बढ़ाते हैं। इसको हमने पीछे बढ़ाया और दोस्तों इसको हमने पीछे बढ़ाया। दोनों मान लीजिए काटती हैं दोस्तों, ऐसे थोड़ा सा यहाँ दोनों एक दूसरे के काटते हैं आई डैश पर। आई डैश दोस्तों, यह हमारा वस्तु है बिंदुवत आकार का जिसका नाम है ओ। हमारा ये इमेज है जिसका नाम है आई डैश। तो दोस्तों, यह हमारा प्रतिबिंब जो होगा पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को जहाँ काटती हैं ये किरणें, यहीं बनेगा हमारा प्रतिबिंब। अर्थात इस ऑब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे यहां पर बनेगा आई डैश। तो दोस्तों, वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब बन गया आई डैश। अब हम इसकी प्रकृति को देखेंगे। तो क्या भैया, इसमें जो किरणें हैं, किरणें क्या वास्तव में काट रही हैं? तो हम देखते हैं, वास्तव में किरणें नहीं काटते हैं, किरणें एक दूसरे को पीछे बढ़ाने पर काटती हैं। कहने का मतलब यह है कि यह जो प्रतिबिंब होगा आभासी, और अगर हम यहां से दर्पण से देखें, दर्पण से इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी को नापे, तो दोस्तों यहां से लेके वस्तु के बीच की दूरी जितना है यक्ष मीटर दूरी इतना, या वाली दर्पण से लेके प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी कितनी होगी, यक्ष मीटर। अर्थात समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण से जितनी दूरी पे आगे वस्तु रखी होगी, दर्पण से उतना ही पीछे दूरी पर जो प्रतिबिंब होगा वह उतनी ही दूरी पर बनेगा। आइए देखिए दोस्तों, हम इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको हल कराते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक है समतल दर्पण, हमारे पास है ये समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर
10 मीटर की दूरी पर। एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, एक यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है 10 मीटर की दूरी पर यहाँ। तो भैया इस व्यक्ति की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है। व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड। यह व्यक्ति एक सेकंड में 2 मीटर दूरी तय करता है। दोस्तों यह व्यक्ति जो है कि यहाँ पे है, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा 10 मीटर पे इस समय है, यहाँ पीछे 10 मीटर दूरी पर बनेगा। यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। अब कहा जा रहा है कि व्यक्ति की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात यह व्यक्ति एक सेकंड में 2 मीटर आगे जाएगा। प्रथम पहले सेकंड में यह व्यक्ति यहाँ से मान लीजिए 2 मीटर आगे गया यहाँ पे। तो भैया जब यह 2 मीटर आगे जाएगा तो इसका प्रतिबिंब भी जो होगा वह 2 मीटर आगे आएगा। इसका मतलब यह जो है इसका प्रतिबिंब पहले यहाँ 10 मीटर पे था, 10 मीटर पे था। भैया जब वस्तु चल के यहाँ आ गई तो जो इसका इमेज होगा वह भी 2 मीटर आगे चल के चला आएगा। तो भैया इसका जो व्यक्ति है, व्यक्ति का प्रतिबिंब यहाँ पे आ गया, 8 मीटर यहाँ बचा है हमारा और 8 मीटर यह बचा है। अगर आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति की चाल दी गई है 2 मीटर प्रति सेकंड, अगर पूछा जाए कि व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जाता है तब 4 सेकंड के पश्चात, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर व्यक्ति है और व्यक्ति क्या चाल दी गई हमको 2 मीटर प्रति सेकंड। पूछा जा रहा है व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है 4 सेकंड के पश्चात व्यक्ति ओ अर्थात और उसके इमेज के बीच की दूरी कितने होगी, कितने पश्चात, 4 सेकंड के पश्चात। तो आइए देखिए 4 सेकंड के पश्चात टोटल दूरी थी 10, एक सेकंड में जा रहा है 2 मीटर, 4 सेकंड में जाएगा 8 मीटर, 8 मीटर यहां से चला गया, बचा है यहां 2 मीटर। और जब यह 2 मीटर होगा इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह भी कितना होगा, इधर 2 मीटर, अर्थात टोटल दूरी ऑब्जेक्ट से लेके इमेज के बीच की दूरी 2 इधर 2 इधर टोटल जो होगा हमारा 4। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं जो कि आपके सिलेबस पे होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।